हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने लास्ट वीडियो में मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन स्टार्ट किया था और हमने उसका मैथमेटिकल इंट्यूशन ज्योमेट्रिक इंट्यूशन और कोडिंग देखा था। और मैंने आपको बोला था कि हम इस एल्गोरिदम को स्क्रैच से बनाना सीखेंगे और उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा कि इसके पीछे का मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन क्या होता है। इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं। वी विल सी कि हाउ कैन यू क्रिएट अ मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन फ्रॉम स्क्रैच फॉर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, एक क्विक समरी। हमें ऑलरेडी पता है कि लीनियर रिग्रेशन के दो तीन टाइप्स होते हैं। एक होता है सिंपल लीनियर रिग्रेशन, एक होता है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, एंड द थर्ड वन इज पॉलीनोमियल। सिंपल लीनियर रिग्रेशन तब होता है जब आपके पास इनपुट में सिर्फ एक कॉलम होता है और आउटपुट में एक कॉलम होता है। CGPA मेरा इनपुट है, लैक्स पर एनम आउटपुट है। मल्टीपल तब होता है जब आपके पास इनपुट में मल्टीपल कॉलम्स होते हैं और आपके पास आउटपुट में एक ही कॉलम होता है। जैसे एग्जांपल हो गया, CGPA, जेंडर और IQ आपका इनपुट कॉलम है और आपका आउटपुट कॉलम इज लैक्स पर एनम। ठीक है, पॉलीनोमियल के बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं। ओके, सो नाउ हमें अच्छे से याद था कि हमने जब सिंपल लीनियर रिग्रेशन किया था वहां पे आपने बस क्या किया था कि आपने अपने पॉइंट्स को प्लॉट किया था एक्स और वाई एक्सिस पे इन अ स्कैटर प्लॉट, और फिर आपने एक लीनियर रिग्रेशन का लाइन ड्रॉ किया था जिसको आप बेस्ट फिट लाइन भी बोलते हो। और इस लाइन को ड्रॉ करने का मतलब था ये इक्वेशन फाइंड आउट करना, और ये इक्वेशन फाइंड आउट करने का मतलब था एम और बी का वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया था कि जब हम हायर डायमेंशन में होते हैं तो हम अकॉर्डिंगली एक हाइपर प्लेन फाइंड करते हैं। इन अ 3D केस विल फाइंड अ 2D प्लेन। अगर इससे ज्यादा में डेटा है तो हम हाइपर प्लेन फाइंड करते हैं, और इसका इक्वेशन था y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स वन प्लस बीटा टू एक्स टू डॉट 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 प्लस बीटा एन एक्स एन। ये हमारा इक्वेशन था। ठीक है, अब अगर हमें बीटा नॉट, बीटा वन से लेके बीटा एन तक का वैल्यू पता है, तो अगर हमें कोई नया x1, x2, xn वैल्यू देगा तो हम बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि y क्या होगा, एज इन प्रिडिक्शन क्या होगा। अब आज की वीडियो में हमें यही देखना है कि हाउ कैन वी फाइंड बीटा नॉट, बीटा वन टिल बीटा एन। ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू डू अ रिक्वेस्ट, और वो ये है कि आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। ये वीडियो थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, बट ट्रस्ट मी आई विल ट्राई वेरी हार्ड कि आपको इजी लगे। ठीक है, बट मेरे को आपकी साइड से बस एक चीज चाहिए कि आप वीडियो कंप्लीट करो। अगर आप वीडियो कंप्लीट कर लेते हो, आई गारंटी यू आपको मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का कोड, जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है, वो स्क्रैच से समझ में आ जाएगा। एंड गेस व्हाट, अगर आप ये समझ पाओगे ना तो इट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर मशीन लर्निंग जर्नी। बिकॉज एक बार अगर आप हायर डायमेंशन में चीजें करना सीख जाते हो किसी एक एल्गोरिदम के साथ, वो सेम कॉन्सेप्ट्स को आप दूसरे एल्गोरिदम में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सो अब बात हो गई बहुत, लेट्स स्टार्ट। सो हम अभी के बाद के लिए क्या करेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल फिर से वही है कि हमारे पास जो डेटा है वो है CGPA, वी हैव IQ, वी हैव जेंडर एंड वी हैव LPA एज आवर आउटपुट कॉलम। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, इसको x1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको x2 से, इसको x3 से और इसको स्मॉल y से। ठीक है, अब एक चीज जो मुझे पर्सनली बहुत परेशान करती थी जब मैं इसको स्क्रैच से पढ़ रहा था, दैट वाज नोटेशन। मैथमेटिकल नोटेशन जहां भी आते थे मेरे को रोना आ जाता था, क्योंकि फिर समझ में नहीं आता था कि चीजें कैसे काम कर रही हैं। तो व्हाट आई विल डू इज, पहले मैं आपको बहुत बेसिक से चीजें करके दिखाऊंगा, फिर मैं उसको नोटेशन में कन्वर्ट करूंगा। And I would hope कि आपको easily समझ में आएगा वो notation, ठीक है? So अब देखो, सोच के देखो, ये data जो है, ये 4D में है, 3 input columns, 1 output column. I cannot draw it on a graph. हम देख नहीं सकते, ठीक है? But अगर एक single 2D में होता ये, तो equation ये होता, mx plus b, या फिर आप इसको लिख सकते हो, beta naught plus beta 1x, जहाँ पे beta naught मतलब b होता है और m मतलब बीटा वन होता है, जनरल फॉर्म में लिख दिया। तो अगर इस फॉर्म में हम लिखना चाहे यहां पर जो हम हाइपर प्लेन फाइंड आउट करेंगे उसका इक्वेशन, तो इट वुड बी y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस
बीटा वन एक्स वन प्लस बीटा टू एक्स टू प्लस बीटा थ्री एक्स थ्री, यही तो होगा इक्वेशन। अब यहां पे मैं वाई के बदले वाई हैट लगा रहा हूं क्योंकि ये हमारा प्रिडिक्शन वाला वैल्यू है, ये वाई और ये जो वाई निकलेगा ये दोनों अलग होंगे, ये एक्चुअल है जो हमारे डेटा में है और ये प्रिडिक्टेड है जो हम इस इक्वेशन के हेल्प से निकालेंगे। ऑल दो ये जो एक्स वन है वो ये वाला है, एक्स टू ये वाला है और एक्स थ्री ये वाला है, ठीक है। अब सोच के देखो, एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से हमारे पास 100 स्टूडेंट्स का डेटा है, तो हमारे पास जो डेटा है इसका शेप हो जाएगा 100 रोज कॉमा 4 कॉलम्स, यहां तक तो आई गेस कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक चीज मैं कर रहा हूं आप समझने का ट्राई करना, कि मैं हर स्टूडेंट का प्रिडिक्टेड वाई निकालना चाहता हूं। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मुझे बीटा नॉट बीटा वन बीटा टू एंड बीटा थ्री इसका वैल्यू मुझे मिल गया है। अब मैं अपने हर स्टूडेंट का 100 के 100 स्टूडेंट्स का वाई प्रिडिक्टेड निकालना चाहता हूं। सी मेरे पास उनका वाई ऑलरेडी है, उनका प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑलरेडी, उनका एक्चुअल वैल्यू ऑलरेडी है, मुझे वाई हैट कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ गिवन एक्स वन एक्स टू एंड एक्स थ्री। तो देखो मैं कैसे लिखूंगा इस चीज को, आई एम क्रिएटिंग अ मैट्रिक्स जहां पे दिस इज वाई वन हैट फर्स्ट स्टूडेंट का प्रिडिक्टेड एलपीए, वाई टू हैट सेकेंड स्टूडेंट का प्रिडिक्टेड एलपीए डॉट 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 वाई हंड्रेड हैट, ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स को आई कैन रीराइट लाइक दिस, थोड़ा ध्यान से देखना, यहां से चीजें हल्की सी डिफिकल्ट होंगी। y1 हैट का वैल्यू कैसे निकलेगा, y1 का हैट का वैल्यू होगा y1 हैट इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स वन वन। एक्स वन वन क्यों लिखा मैंने, क्योंकि हम फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम वैल्यू ले रहे हैं, मतलब अगर मेरे पास तीन कॉलम्स थे CGPA और IQ और जेंडर, तो मैं CGPA वैल्यू ले रहा हूं फर्स्ट रो का, क्योंकि अभी मैं फर्स्ट स्टूडेंट का बात कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं इसको लिखता हूं, आई वुड राइट इट लाइक दिस, बीटा नॉट बीटा वन एक्स वन वन, मतलब पहले स्टूडेंट का CGPA वैल्यू, क्योंकि एक्स वन क्या है CGPA, बीटा टू एक्स वन टू, एक्स वन टू क्या है पहले स्टूडेंट का IQ का वैल्यू, बीटा थ्री एक्स वन थ्री, ये क्या है फर्स्ट स्टूडेंट का जेंडर का वैल्यू। अगर मुझे सेकंड स्टूडेंट के लिए एज इन वाई टू प्रिडिक्टेड निकालना है तो ये हो जाएगा बीटा नॉट बीटा वन एक्स टू वन, सेकेंड स्टूडेंट का CGPA वैल्यू, बीटा टू एक्स टू टू, सेकेंड स्टूडेंट का IQ वैल्यू, बीटा थ्री एक्स टू थ्री, ये हो जाएगा सेकेंड स्टूडेंट का आपका जेंडर का वैल्यू। अब ऐसा ही मैं अगर एक्स्ट्रापोलेट कर दूं तो यहां पे फिर से आएगा बीटा नॉट बीटा वन एक्स हंड्रेड वन, ये मतलब है 100 स्टूडेंट का CGPA, बीटा टू एक्स हंड्रेड टू, 100 स्टूडेंट का आपका IQ का वैल्यू, बीटा थ्री एक्स हंड्रेड थ्री, ये आ गया आपने 100 स्टूडेंट का जेंडर का वैल्यू, ठीक है। आई गेस आपको समझ में आ रहा है, मैंने सिंपली इस चीज को इसमें कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और अब मैं इस पूरे के पूरे मैट्रिक्स को कैपिटल वाई हैट बोल रहा हूँ, कैपिटल वाई हैट, ठीक है। अभी तक मैं सब कुछ स्मॉल वाई में लिख रहा था, कैपिटल वाई हैट रिप्रेजेंट्स द प्रिडिक्टेड एलपीए ऑफ ऑल द 100 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहां से अब मैं चीजें थोड़ी सी और स्केल अप कर रहा हूँ डिफिकल्टी में, सो ध्यान से सुनना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक छोटा सा अजम्पशन ले रहा हूँ, अजम्पशन ये है कि मेरे पास 100 रोज नहीं है, मेरे पास n रोज है, आई हैव गॉट n रोज, आई गेस यहां तक आपको समझ में आ रहा है। और मेरे पास चार कॉलम्स नहीं है, इनफैक्ट मैं तीन कॉलम्स बोलूंगा, क्योंकि तीन कॉलम्स इनपुट कॉलम है CGPA IQ और जेंडर, और जो फोर्थ कॉलम है वो आउटपुट है, उसकी बात अभी नहीं कर रहे। मान लो कि हमारे पास तीन कॉलम्स नहीं है, इंस्टेड हमारे पास m कॉलम्स है, हमारे पास m कॉलम्स है। तो अब आपको सोचना है कि ये मैट्रिक्स को आप रीराइट कैसे करोगे, ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल है। मैं स्लोली जाऊंगा, आप भी हो सके तो कॉपी लेके बैठ जाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा। वाई वाला जो मेरा मैट्रिक्स है कैपिटल वाई, दिस विल बी नाउ
वाई वन हैट, ये अभी स्मॉल में है, वाई टू हैट डॉट डॉट डॉट, कितने रोज है हमारे पास, एन रोज है, तो ये हो जाएगा वाई एन हैट, nth स्टूडेंट का एलपीए, एंड दिस विल बी इक्वल टू, थोड़ा ध्यान से देखना यहाँ पे थोड़ा और कॉम्प्लेक्स होगा, फर्स्ट स्टूडेंट का हम बात कर रहे हैं, वाई वन निकालने का ट्राई कर रहे हैं, सो इट वुड बी बीटा नॉट, बीटा नॉट एक्स फर्स्ट स्टूडेंट का फर्स्ट वैल्यू सीजीपीए, अब सीजीपीए और इस तरह से बहुत सारी और वैल्यूज आ गए क्योंकि एम कॉलम्स हो गए, ठीक है, सो अब मैं नाम से नहीं बुलाऊंगा, बीटा नॉट एक्स वन टू, बीटा नॉट एक्स वन थ्री डॉट डॉट डॉट, मैंने बार बार बीटा नॉट लिख दिया, आई एम सॉरी अबाउट दिस, यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, या सो आई वुड रीराइट इट, दिस वुड बी बीटा वन, दिस वुड बी बीटा टू, दिस वुड बी बीटा थ्री, एंड दिस वुड बी बीटा एम, क्योंकि हमारे पास एम कॉलम्स है, तो आखिरी वाला जो कॉलम होगा उसका कॉरेस्पॉन्डिंग बीटा वैल्यू वुड बी एम, ठीक है, और यहां पे आ जाएगा फर्स्ट स्टूडेंट का mth कॉलम में जो वैल्यू है, ठीक है, फिर से लिखते हैं, सेकंड स्टूडेंट के लिए बीटा नॉट बीटा वन एक्स सेकंड स्टूडेंट का फर्स्ट वैल्यू, बीटा टू एक्स सेकंड स्टूडेंट का सेकंड वैल्यू, बीटा थ्री एक्स सेकंड स्टूडेंट का थर्ड वैल्यू डॉट डॉट डॉट, बीटा एम एक्स सेकंड स्टूडेंट का एम वैल्यू, आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, अब इसको नीचे लेके जाते हैं और nth स्टूडेंट के लिए लिखते हैं, सो nth स्टूडेंट के लिए हो जाएगा बीटा नॉट बीटा वन एक्स एन वन, nth स्टूडेंट का फर्स्ट वैल्यू, बीटा टू एक्स एन टू, nth स्टूडेंट का सेकेंड वैल्यू, बीटा थ्री एक्स एन थ्री सेकेंड स्टूडेंट का थर्ड, nth स्टूडेंट का थर्ड वैल्यू, आई एम सॉरी, और यहां पे आ जाएगा बीटा एम एक्स एन एम, nth स्टूडेंट का mth कॉलम का वैल्यू, और ये हो गया गाइस हमारा मैट्रिक्स। सो मैंने स्पेसिफिक केस से स्टार्ट किया कि हमारे पास 100 स्टूडेंट्स हैं, चार कॉलम्स हैं, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया इनटू अ जनरल केस कि अगर आपके पास n स्टूडेंट्स हैं, m कॉलम्स हैं, तो क्या होगा आपका आउटपुट, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक स्मार्ट टेक्निक यूज करेंगे टू डू अ वेरी स्मार्ट थिंग, ध्यान से देखना, व्हाट आई वुड डू इज फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड मूव दिस टू हियर सो दैट हमारे पास यहाँ पे पूरी जगह हो, सो ध्यान से देखो गाइस, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस वाले मैट्रिक्स को रीराइट कर रहा हूं, ठीक है, थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा, सो दिस मैट्रिक्स कैन बी रीरिटन एज, ध्यान से देखना, वन एक्स वन वन एक्स वन टू एक्स वन थ्री डॉट 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 एक्स वन एम, मैंने सारे बीटाज हटा दिए, वन एक्स टू वन एक्स टू टू एक्स टू थ्री डॉट 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 एक्स टू एम डॉट डॉट डॉट, nth वाले के लिए वन एक्स एन वन एक्स एन टू एक्स एन थ्री डॉट 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 एक्स एन एम, और यहां पे अब मैं लिख रहा हूं ये चीज, बीटा नॉट बीटा वन बीटा टू डॉट 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 बीटा एम। अब यहां से गाइस आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्या हुआ यहां पे, सो मैंने क्या किया, इस मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में डीकंपोज कर दिया, राइट, सो ये अगर मेरा मैट्रिक्स ए है और ये मेरा मैट्रिक्स बी है, तो मैं बोल रहा हूं कि ए मल्टीप्लाइड बाय बी वुड बी ए बी, एंड गेस व्हाट, ये सच में ऐसा होगा, अगर आपने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ा होगा तो कैसे काम करता है, आप ये पहला रो उठाओगे, ये पहला रो आप उठाओगे और इस पूरे रो को आप मल्टीप्लाई कर दोगे विद दिस एंटायर मैट्रिक्स, सो वन का मल्टीप्लिकेशन होगा बीटा नॉट से तो ये वैल्यू आ जाएगा, एक्स वन वन का मल्टीप्लिकेशन होगा इस वैल्यू से ये वाला वैल्यू आ जाएगा, एक्स वन टू का इससे ये वाला वैल्यू आ जाएगा, एक्स वन थ्री का बीटा थ्री से ये वाला वैल्यू आ जाएगा, और इसका मल्टीप्लीकेशन होगा इससे और आपको ये वैल्यू मिल जाएगा, फिर आप क्या करोगे, फिर आप सेकेंड रो को पकड़ोगे, आप इस रो को पकड़ोगे और इस रो को पकड़ के आप क्या करोगे, सेम काम करोगे, इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे, सो बीटा नॉट इंटू वन
ये बीटा नॉट, बीटा वन इंटू एक्स टू वन विल बी दिस, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस वुड बी दिस एंड सो ऑन। और आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये वाला मैट्रिक्स बहुत इजीली फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, क्यों किया मैंने ऐसा, लेट मी शो यू। ये चीज हमें बहुत हेल्प करने वाली है आगे जाके, क्योंकि अब मैं क्या कर सकता हूं, इस पूरे के पूरे मैट्रिक्स टर्म को बहुत सिंपली लिख सकता हूं, कैपिटल वाई, दिस एंटायर थिंग इज कैपिटल वाई इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स को मैं एक्स बोल रहा हूं, कैपिटल एक्स, ठीक है, और इस मैट्रिक्स को मैं बीटा बोल रहा हूं। ये मेरा इक्वेशन है गाइस, और जस्ट वन सेकेंड, ये वाई हैट होगा, आई होप मैंने आगे भी पीछे भी आपको वाई हैट ही बताया है, या वाई हैट है वो। सो या दिस इज द इक्वेशन गाइस, दिस इज द इक्वेशन। सो अगर मेरे पास, बहुत सिंपल है, अगर मेरे पास बीटा की सारी वैल्यूज हो और मेरे पास अगर ये एक्स मैट्रिक्स हो, तो मैं बहुत इजीली वाई हैट प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, सो वाई हैट मैट्रिक्स इज इक्वल टू एक्स मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय द बीटा मैट्रिक्स, कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं उसको। ठीक है, सो हमें बस अब ये बीटा मैट्रिक्स का हर वैल्यू को कैलकुलेट करना है, और वही हम देखेंगे कैसे। सो गाइज, हमें हमारे पूरे फॉर्मुलेशन का सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन मिल गया है। दिस इज द इक्वेशन, वाई मैट्रिक्स इज इक्वल टू एक्स मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय बीटा मैट्रिक्स। अब मैं एक बार जल्दी से बता देता हूँ ये मैट्रिक्स को कैसे आप इंग्लिश में बोलोगे। सो वाई मैट्रिक्स इज बेसिकली द प्रिडिक्शन ऑफ ऑल द इनपुट रोज, हर स्टूडेंट का आउटपुट सैलरी का मैट्रिक्स है वो। अगर आपके पास 1000 स्टूडेंट्स है, तो इस मैट्रिक्स में 1000 वैल्यूज हैं हर स्टूडेंट का, एलपीए का प्रिडिक्शन। ठीक है, बीटा बहुत सिंपल है, बीटा आपके सारे कोफिशियंट्स का मैट्रिक्स है। सो अगर आप सिंगल 1D में काम कर रहे हो, तो ये मैट्रिक्स ऐसा दिखाई देगा, बीटा नॉट और बीटा वन, इसको आप बी और एम भी बोल सकते हो। अगर आप 3D में काम कर रहे हो, तो इट वुड बी बीटा नॉट, बीटा वन एंड बीटा टू। बेसिकली जितने डायमेंशन में आप हो, उससे एक ज्यादा कोफिशियंट वैल्यू होती है। ठीक है, नाउ कम्स की एक्स क्या होता है। एक्स का अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स मैट्रिक्स इज बेसिकली, ध्यान से सुनना, अगर आपके पास ये डेटा है सीजीपीए, जेंडर और आईक्यू, मान लो ये आपका इनपुट डेटा है, और यहाँ पे इसको X1 बोल रहे हो, इसको X2 बोल रहे हो, इसको X3 बोल रहे हो, और आपके पास अलग अलग स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, आपके पास अलग अलग स्टूडेंट्स हैं, जैसे ये आपका फर्स्ट स्टूडेंट है, ये सेकंड स्टूडेंट है, थर्ड स्टूडेंट है, तो ये वैल्यू क्या है, X11, ये है X12, ये है X13, ये है X21, X22, X23, X31, X32, X33। सो बेसिकली अगर आप अपना पूरा डेटा सेट, इनपुट वाला सारा डेटा सेट अगर आप निकाल दो और इसके जस्ट आगे 111 लगा दो, तो ये जो मैट्रिक्स है, इसको हटा दे रहा हूं मैं, ये जो मैट्रिक्स है यही आपका एक्स है। दिस इज योर एक्स, बेसिकली आपका पूरा इनपुट डेटा और उसके आगे एक एक्स्ट्रा कॉलम 11111 एंड तक, यही आपका एक्स वाला मैट्रिक्स है। तो ये इक्वेशन को समझना मैट्रिक्स फॉर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहां तक हम पहुंच गए, आगे बढ़ते हैं। आगे अब हमें क्या करना है कि मैंने एक वाई हैट मैट्रिक्स बना लिया आपके सामने अभी, जिसके ऊपर हम काम कर रहे थे, मैं एक वाई मैट्रिक्स भी बनाना चाहता हूं। सो वाई मैट्रिक्स क्या है, कैपिटल वाई है ये, कैपिटल वाई मैट्रिक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं, y1 y2 डॉट 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 yn। सो बेसिकली जैसे ही आप अपना डेटा सेट आपको मिलता है, डेटा फ्रेम, उससे आप जब x और y अलग करते हो, तो ये y जो है वो बेसिकली यही है, सारे एक्चुअल आउटपुट वैल्यूज का मैट्रिक्स। ठीक है, अब मैं एक और नया मैट्रिक्स बना रहा हूं e बोल के। दिस e इज y मैट्रिक्स माइनस y हैट मैट्रिक्स, मतलब कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो, y मैट्रिक्स क्या है, y1 y2 डॉट 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 yn, और सिमिलरली आपका y हैट मैट्रिक्स क्या है, y1 हैट y2 हैट डॉट 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 yn हैट। तो इसका मतलब e जो मेरा मैट्रिक्स होगा, इट वुड बी y1 माइनस y1 हैट, y2 माइनस y2 हैट डॉट 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 yn माइनस yn हैट। ये है मेरा e मैट्रिक्स। ठीक है, अब थोड़ा सा पीछे जाते हैं और याद करते हैं कि अगर आपको याद होगा, हमने जब सिंगल लीनियर रिग्रेशन किया था
वहां पे हमने एक लॉस फंक्शन निकाला था, एरर फंक्शन निकाला था, और वो क्या आ रहा था, सिग्मा ऑफ आई इज इक्वल टू वन से एन वाई आई माइनस वाई आई हैट का होल स्क्वायर। सो बेसिकली एरर कैसे निकल रहा था, अगर आपके पास अलग अलग पॉइंट्स थे और ये आपकी लाइन थी, तो आप ये डिस्टेंस हर पॉइंट के लिए निकाल रहे थे, इसको आप रेजिडुअल बोलते थे। और ये रेजिडुअल कैसे होता था, फॉर द फर्स्ट पॉइंट दिस डिस्टेंस वॉज वाई वन माइनस वाई वन हैट का होल स्क्वायर। स्क्वायर इसलिए किया था क्योंकि हमें स्क्वायर डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है और हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए थी, इसलिए हमने स्क्वायर किया था। और ऐसे ही अगर हम सारे पॉइंट्स के लिए जोड़ दें तो ये फॉर्मूला आया था, दिस वॉज द फॉर्मूला सिंगल लीनियर रिग्रेशन में, सिंपल लीनियर रिग्रेशन में। अब यहां पे मैं एक बात बोलूंगा और फिर मैं उसको प्रूव करके दिखाऊंगा। सो इस सेम फॉर्मूला को मैं यहां पे लिख सकता हूं, ई इज इक्वल टू स्मॉल ई मैट्रिक्स ट्रांसपोज स्मॉल ई मैट्रिक्स। और मेरा ई मैट्रिक्स है क्या, मेरा मैट्रिक्स ये है, वाई वन माइनस वाई वन हैट, वाई टू माइनस वाई टू हैट, डॉट डॉट डॉट, वाई एन माइनस वाई वन वाई एन हैट, ये मेरा ई है। मैं बोल रहा हूं कि जब आप ई को ट्रांसपोज कर दे करके वापस ई से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही चीज मिल जाएगी। आई गेस आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो मैं करके दिखाता हूं, देखो। हम क्या कर रहे हैं, पहले ई को ट्रांसपोज कर रहे हैं। ई को ट्रांसपोज करने से ये एक रो मैट्रिक्स बन जाएगा और ये ऐसा दिखाई देगा, वाई वन माइनस वाई वन का हैट, वाई टू माइनस वाई टू का हैट, वाई थ्री माइनस वाई थ्री का हैट, डॉट डॉट डॉट, वाई एन माइनस वाई एन का हैट। ये मेरा ट्रांसपोज मैट्रिक्स है और ये मेरा नॉर्मल मैट्रिक्स है, वाई वन माइनस वाई वन का हैट, वाई टू माइनस वाई टू का हैट, वाई थ्री माइनस वाई थ्री का हैट। मैं यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया गलती से, आई एम सॉरी, ये स्क्वायर नहीं होगा। और लास्ट में यहाँ पे आएगा वाई वन माइनस वाई एन का हैट, ठीक है। अब ऑब्वियसली इस मैट्रिक्स का शेप वुड बी वन क्रॉस एन और इसका होगा एन क्रॉस वन। इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये एन और ये एन कॉमन है, रिजल्ट आएगा आपको सिर्फ एक सिंगल नंबर, यानी वन क्रॉस वन स्केलर आएगा, ठीक है। कैसे, बहुत सिंपल है, आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज मल्टीप्लाई हो जाएगी इससे, तो आपको मिलेगा वाई वन माइनस वाई वन हैट का स्क्वायर, फिर आपकी ये चीज मल्टीप्लाई हो जाएगी इससे, आपको मिलेगा प्लस वाई टू माइनस वाई टू हैट का स्क्वायर प्लस वाई थ्री माइनस वाई थ्री हैट का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस वाई एन माइनस वाई एन का स्क्वायर। और अगर आप इन सबको समेशन के फॉर्म में लिख दो तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू वन से एन वाई आई माइनस वाई आई हैट का स्क्वायर। यही तो हुआ, राइट। और ऊपर मैंने यही लिखा था कि आपका ये जो एरर फंक्शन है इसको आप मैट्रिक्स के टर्म में ऐसे लिख सकते हो, ई ट्रांसपोज ई, राइट। सो मैं वही कर रहा हूं अब, मेरा एरर फंक्शन अब क्या हो गया, मल्टी डायमेंशनल या मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के लिए मेरा जो एरर फंक्शन है दैट बिकम्स ई ट्रांसपोज ई, ठीक है। अब ई को मैं लिख सकता हूं वाई माइनस वाई हैट, मैट्रिक्स फॉर्म में ये सब कुछ कैपिटल वाई है इसका ट्रांसपोज, और यहां पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं वाई कैपिटल वाई वाई हैट, मैंने बस इसको वापस लिख दिया, ठीक है। अब एक चीज आपको शायद पता होगी, ए प्लस बी अगर दो मेट्रिसेस हैं इनका ट्रांसपोज इज ए टू द पावर, मतलब ए टू द पावर नहीं, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये सेम चीज माइनस में भी काम करती है, ये मेट्रिसेस में आपने पढ़ा होगा, दिस वुड बी ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ये चीज अगर मैं यहां पे लगाऊं तो आई कैन रीराइट दिस इक्वेशन एज वाई कैपिटल ट्रांसपोज माइनस वाई हैट ट्रांसपोज, ठीक है, और वाई माइनस वाई हैट यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। अब ऊपर आपको ये इक्वेशन याद होगा, ये जो इक्वेशन हमने बनाया था ये वाला, कि वाई कैप वाई हैट इज इक्वल टू एक्स बीटा, राइट। तो व्हाट आई विल डू इज मैं नीचे आऊंगा
और इस इक्वेशन में जहां भी वाई हैट है उसके बदले में एक्स बीटा डाल दूंगा. सो इट वुड बिकम, ये वाई ट्रांसपोज एज इट इज रहेगा, ये वाई हैट के बदले आ जाएगा एक्स बीटा ट्रांसपोज, ठीक है, और यहां पे आ जाएगा वाई माइनस एक्स बीटा, ठीक है. एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं. मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि आपका आ जाएगा ये टर्म इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा वाई ट्रांसपोज वाई माइनस वाई ट्रांसपोज एक्स बीटा, फिर ये टर्म इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा माइनस एक्स बीटा का ट्रांसपोज वाई, और यहां पे आ जाएगा प्लस एक्स बीटा ट्रांसपोज एक्स बीटा, ठीक है. ये हो गया मेरा एरर फंक्शन. अब हमें बस इसको थोड़ा सा और मैनिपुलेट करना है और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं कि क्या करेंगे. पहले इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं. सो गाइज, आगे का मैनिपुलेशन में सबसे पहला चीज जो हम करेंगे वो ये है कि हमें ये दोनों टर्म को इक्वल प्रूव करना है. इट्स अ गुड एक्सरसाइज एक्चुअली. आप क्या कर सकते हो, थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करके सोचो और इन दोनों को बराबर प्रूव करने का ट्राई करो, क्योंकि आगे जो हमारा आंसर निकलेगा उसको निकालने के लिए इन दोनों का बराबर होना जरूरी है, ठीक है. अब मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं कि ये दोनों जो टर्म्स हैं ये एक्चुअली सेम है, ठीक है. एंड फॉर दैट आई विल क्रिएट अ न्यू पेज और यहां पर आई विल जस्ट राइट डिटूर बिकॉज हम अपने एक्चुअल डेरिवेशन से थोड़ा सा एक डिटूर ले रहे हैं, ठीक है. सो देखो, मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है कि y ट्रांसपोज x बीटा एंड x बीटा का होल ट्रांसपोज y, ये दोनों सेम चीज है. मुझे ये प्रूफ करना है, ठीक है, मुझे ये चीज प्रूफ करना है. अब देखो ध्यान से, ये चीज प्रूफ करने में थोड़ा सा लॉजिक लगेगा, बहुत सिंपल है. थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि y का वैल्यू है a और x बीटा है b. तो इसका मतलब मैं क्या प्रूफ करना चाहता हूं कि इसको आई कैन राइट एज a ट्रांसपोज b इज इक्वल टू ये b ट्रांसपोज a. मैं ये प्रूव करना चाहता हूं, ठीक है. मतलब दिस इज व्हाट आई वांट टू प्रूव, ठीक है. कैसे करूंगा, बहुत सिंपल है. इसको फिलहाल मैं एक इक्वेशन मान लेता हूं और अब मैं एक नया इक्वेशन क्रिएट कर रहा हूं. a ट्रांसपोज b का ट्रांसपोज क्या होगा, सोच के देखो. आपको पता है a b का ट्रांसपोज होता है b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज. गोइंग बाय दिस लॉजिक, दिस थिंग विल बिकम b ट्रांसपोज a, क्योंकि a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज एक्चुअली a, ठीक है. दिस इज इक्वेशन टू. अब थोड़ा सोच के देखो गाइस, दोनों में जो RHS वाला टर्म है, दिस इज RHS इस इक्वेशन में, दिस इज RHS इस इक्वेशन में, ये दोनों बराबर है, ठीक है. इसका मतलब अगर मुझे ये चीज प्रूव करना है तो मुझे बस ये प्रूव करना है कि a ट्रांसपोज b इज इक्वल टू a ट्रांसपोज b का ट्रांसपोज. अगर मैं ये प्रूव कर पाया तो मैं ये इक्वालिटी प्रूव कर दूंगा और मैं ये इक्वालिटी भी प्रूव कर दूंगा, ठीक है. अब थोड़ी देर के लिए समझो इस बात को कि हम क्या प्रूव करना चाहते हैं. अगर थोड़ी देर के लिए मैं a ट्रांसपोज b को c मान लेता हूं, थोड़ी देर के लिए, तो मैं प्रूव करना चाहता हूं कि c इज इक्वल टू c ट्रांसपोज. मतलब मुझे ये प्रूव करना है कि ये जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज भी जब आप करोगे तो वो सेम ही मैट्रिक्स रहता है. अगर मैं ये प्रूव कर पाया तो मेरा काम हो गया. अब सोचो c क्या है, c है a ट्रांसपोज b, और a ट्रांसपोज b में a क्या है, y ट्रांसपोज, और b क्या है, x बीटा. ये मेरा c है, ठीक है, बेसिकली ये वाला टर्म, इसी को मैं c बुला रहा हूं तब से. सो अगर मैं ये प्रूव कर पाया कि y ट्रांसपोज x बीटा इज इक्वल टू
इसका ट्रांसपोज इनफैक्ट इज इक्वल टू वाई ट्रांसपोज एक्स बीटा, तो मेरा काम हो गया, तब मैं ये बोल सकता हूं कि ये इक्वेशन ट्रू है, राइट। अब ये आप बहुत इजीली प्रूव कर सकते हो कि इस इन तीन मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन से जो मैट्रिक्स आएगा उसका ट्रांसपोज और वो मैट्रिक्स सेम है। आई कैन एक्चुअली प्रूव दिस, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना, सोच के देखो। मेरा वाई ट्रांसपोज क्या है? वाई ट्रांसपोज इज अ मैट्रिक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वाई इज अ मैट्रिक्स जहां पे मेरे सारे स्टूडेंट्स का एलपीए लिखा हुआ है लाइक दिस। और मान लो मेरे पास अगर एन स्टूडेंट्स हैं तो इस मैट्रिक्स का जो शेप होगा वो होगा एन क्रॉस वन, एन रोज वन कॉलम। अब इसका वाई ट्रांसपोज अगर कर दूं तो वो बन जाएगा वन क्रॉस एन। तो वाई ट्रांसपोज का जो शेप है, जो मैट्रिक्स उसका शेप इज वन क्रॉस एन। लेट्स टॉक अबाउट एक्स। एक्स क्या था? एक्स था अगर हमारे पास एन रोज हैं और m कॉलम्स हैं तो ये एक मैट्रिक्स होगा n क्रॉस m, बट हमने इसके आगे 1 1 1 लगा रखा तो m प्लस 1 कॉलम्स हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब x जो है इसमें n क्रॉस m प्लस 1 इसका शेप है, ठीक है। बीटा क्या है? बीटा इज बीटा नॉट बीटा 1 डॉट 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 बीटा m। फॉर एवरी कॉलम यू हैव 1 कोफिशियंट प्लस इंटरसेप्ट का बीटा नॉट, मतलब यहां पे भी m प्लस 1 है। तो इस भी मैट्रिक्स का शेप जो होगा वो होगा m प्लस 1 रोज मल्टीप्लाइड बाय 1 कॉलम। तो इसका शेप हो गया m प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1। अब हम तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का रूल आपको पता है कि इन दोनों को सेम होना पड़ेगा, ये दोनों हैं तो जो आउटपुट मैट्रिक्स आएगा उसका शेप ये होगा। तो y ट्रांसपोज और x को मल्टीप्लाई करने पे आपके पास आएगा 1 क्रॉस m प्लस 1 ये मैट्रिक्स। और फिर इसको आप जब इससे मल्टीप्लाई करोगे m प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, ये दोनों सेम है तो आपका आउटपुट विल बी दिस 1 क्रॉस 1 व्हिच इज बेसिकली अ मैट्रिक्स लाइक दिस। अब सोच के देखो, इस मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज निकालोगे तो भी वो मैट्रिक्स तो सेम ही है। इसका मतलब मैंने ये वाली बात प्रूव कर दी, और अगर मैंने ये वाली बात प्रूव कर दी तो मैंने ये भी प्रूव कर दिया कि आपका ये दोनों जो टर्म्स थे, ये जो टर्म था और ये जो टर्म था, ये दोनों सेम है। तो आई विल गो बैक यहां पर, और अब मैं क्या करूंगा, आई वुड री राइट, आई विल कम बैक एंड आई वुड राइट कि दिस इक्वेशन कैन बी री रिटन एज वाई ट्रांसपोज वाई माइनस, ये दोनों सेम है तो टू टाइम्स वाई ट्रांसपोज एक्स बीटा, इसको टू टाइम्स लिख दिया। प्लस इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं, ये हो जाएगा बीटा ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज एक्स मल्टीप्लाइड बाय बीटा। ये मेरा एरर फंक्शन है गाइस, दिस इज माय लॉस्ट फंक्शन। अब अगर आपको याद होगा कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन में आपका लॉस फंक्शन आपके एम और बी के साथ कुछ इस तरीके से वैरी करता था और आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी होती थी, और मिनिमम वैल्यू कब निकलती थी, जब आप स्लोप निकाल करके उसको इक्वल टू जीरो करते थे, राइट। सेम वही काम हम यहां पे करेंगे, हम डी ई बाय डी बीटा निकालेंगे, मतलब आई वुड डू डी बाय डी बीटा ऑफ दिस एंटायर इक्वेशन और उसको इक्वल टू जीरो कर दूंगा। आई वुड जस्ट रीराइट दिस, दिस विल बी इक्वल टू जीरो, राइट। दिस इज वॉट वी हैव टू डू नाउ। अब हमें क्या करना है, बस इसको सॉल्व करते जाना है और हमारा काम हो जाएगा, काफी प्रोग्रेस कर लिया हमने। अब देखो, सबसे पहले इसका जब आप डिफ्रेंसिएशन करोगे, यहाँ पे कोई बीटा का टर्म नहीं है तो ये इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। आप जब इसके ऊपर डिफ्रेंसिएशन अप्लाई करोगे तो यहाँ पे एक बीटा है तो ये आपको पलट करके देगा, दिस विल गिव यू, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो जीरो हो गया, जीरो माइनस यहां पे आ जाएगा टू वाई ट्रांसपोज एक्स, और फिर मुझे डिफ्रेंशिएट करना है डी वाई डी बीटा ऑफ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टर्म है, बीटा ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज एक्स बीटा इक्वल टू जीरो। अब ये क्यों डिफिकल्ट है, क्योंकि यहां पे बीटा तो है
लेकिन बीटा ट्रांसपोज भी है। बिकॉज ऑफ दिस बीटा ट्रांसपोज यहाँ पे थोड़ा सा हमारा जो डिफरेंसिएशन है इस मैट्रिक्स का वो डिफिकल्ट हो जाता है। उसको कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। अब बस गाइस एक लास्ट प्रॉब्लम है कि ये जो टर्म है इसको डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है, और इसके लिए आपको मैट्रिक्स डिफरेंशिएशन पढ़ना पड़ेगा। और इस पॉइंट पे मैं ये चीज नहीं पढ़ा रहा क्योंकि ये पढ़ाने में थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। इंस्टेड व्हाट आई विल डू इज मैं आपको डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन बताऊंगा कि इसको डिफरेंशिएट करने से क्या आता है। बट फ्यूचर में अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करना, मैं कुछ दिनों में एक वीडियो बनाऊंगा मैट्रिक्स डिफरेंशिएशन के ऊपर, वो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप एक बार चेक करना और वो वीडियो देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि ये डिफरेंशिएशन से ये रिजल्ट कैसे आ रहा है। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता मैट्रिक्स डिफरेंशिएशन ऑल्दो, बट अभी कवर नहीं कर रहे, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनो कि अगर आपके पास कुछ ऐसा इक्वेशन है, ए इज इक्वल टू लेट्स से ए ट्रांसपोज एक्स ए, ये तीनों मेट्रिसेस हैं, और आपको अगर डी वाई बाई डी ए निकालना है, बिल्कुल सेम सिचुएशन है, यहाँ पे बीटा है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे एक्स ट्रांसपोज टी एक्स है, उसके बदले मैंने सिर्फ एक्स लिखा है, तो इसका आंसर आता है टू एक्स ए ट्रांसपोज, ये इसका आउटपुट होता है, ठीक है। सो द आउटपुट विल नाउ बी 0 माइनस 2, मैं बार बार ये जीरो पता नहीं क्यों लिख रहा हूं, अब इसका कुछ मीनिंग नहीं है, सो आई वुड डायरेक्टली राइट 2 टाइम्स y ट्रांसपोज x प्लस। अब क्या होगा अकॉर्डिंग टू दिस, पहले 2 बाहर आएगा, फिर आएगा x, x हमारे केस में है x ट्रांसपोज x, और फिर आएगा बीटा ट्रांसपोज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, हम इस नेगेटिव वाले टर्म को आरएचएस में लेके जाएंगे, सो दिस वुड बिकम 2x ट्रांसपोज x बीटा ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 टाइम्स y ट्रांसपोज x। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और अब हमारे पास आएगा बहुत क्लोज है हम लोग सॉल्यूशन के, सो दिस वुड बिकम, हम इसको आरएचएस में लेके जाएंगे तो ये 1 बाय x ट्रांसपोज x हो जाएगा, बेसिकली इस मैट्रिक्स का इनवर्स, तो वी कैन राइट इट लाइक बीटा ट्रांसपोज इक्वल टू वाई ट्रांसपोज एक्स, एक्स ट्रांसपोज एक्स का इनवर्स, इस मैट्रिक्स का इनवर्स, ठीक है। अब मैंने दोनों साइड अगर ट्रांसपोज कर दिया तो इट वुड बिकम वाई ट्रांसपोज एक्स, एक्स ट्रांसपोज एक्स -1 इस पूरे का ट्रांसपोज, ठीक है। इससे क्या होगा कि ये अगर पूरा एक टर्म है और ये अगर एक टर्म है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ बीटा आ जाएगा, और यहां पे आ जाएगा एक्स ट्रांसपोज एक्स का इनवर्स का ट्रांसपोज, और यहां पे आ जाएगा वाई ट्रांसपोज एक्स का ट्रांसपोज, ठीक है। और इसको हम रीराइट कर रहे हैं, रीराइट करने पे इट वुड बिकम बीटा इज इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज एक्स का इनवर्स का ट्रांसपोज, और ये टर्म में क्या होगा, ये बन जाएगा एक्स ट्रांसपोज, क्योंकि मैं थोड़ा ऊपर कर रहा हूं शायद दिख नहीं रहा है, सो यू कैन सी ये ए बी का होल ट्रांसपोज है, तो एक्स ट्रांसपोज हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा वाई ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, दैट इज वाई, ठीक है। नाउ एक चीज मैं कर रहा हूं और आप समझ लेना क्यों, मैं इस पूरे टर्म को सिंपली लिख रहा हूं एक्स ट्रांसपोज एक्स का इनवर्स और एक्स ट्रांसपोज वाई। सो मैं बोल रहा हूं कि आप इस टर्म का जब ट्रांसपोज करोगे तो भी सेम ही टर्म आएगा, इनवर्स ही आएगा। उसका रीजन ये है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और स्क्वायर मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करोगे तो भी आपका शेप सेम ही रहता है, ठीक है। ये आप क्रॉस चेक कर सकते हो, एक्स का शेप क्या था, नंबर ऑफ रोज कितने थे एन, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने थे m x m+1, ये शेप था, और आप इसका ट्रांसपोज अगर कर दो तो ये हो जाएगा m+1 का एन के साथ, ठीक है।
और इसको अगर आप वापस एक्स एक्स ट्रांसपोज एक्स निकालो अगर, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो एन एम प्लस वन से, तो ये एन आपका जो नया मैट्रिक्स आएगा वो एम प्लस वन क्रॉस एम प्लस वन होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। और इसका आप जब इन्वर्स निकालोगे दैट विल ऑल्सो बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, और स्क्वायर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करके यू विल बी गेटिंग द सेम शेप, ठीक है। सो दैट इज वाई इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा, और ये रहा गाइज आपका फाइनल आंसर, बीटा इज इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज एक्स का माइनस वन एक्स ट्रांसपोज वाई, ये रहा आपका फाइनल आंसर। अब जल्दी से मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। एक्स क्या है यहां पे, एक्स इज नथिंग बट एक्स ट्रेन, राइट। बस उसके आगे मैंने वन 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 लगा दिया, ठीक है। और वाई क्या है, इट इज योर वाई ट्रेन, आपकी सारी एक्चुअल वाई वैल्यूज। अगर ये दोनों चीजें आपके पास है तो आप बीटा निकाल सकते हो, ठीक है। और बीटा मतलब अगर आप थ्री डी में काम कर रहे हो तो चार वैल्यूज निकलेंगी, टू डी में काम कर रहे हो तो तीन वैल्यूज निकलेंगी, हमेशा एक वैल्यू ज्यादा निकलता है इंटरसेप्ट का। आई कैन एक्चुअली डू वन लास्ट थिंग, कि मैं ये प्रूव करके दिखा सकता हूँ कि दोनों साइड में जब आप इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपका शेप सेम आएगा। जैसे ये बीटा का शेप क्या है, ये बीटा इज बेसिकली बीटा नॉट बीटा वन डॉट 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 बीटा एन तक बीटा एम तक, तो इसका शेप इज एम प्लस वन क्रॉस वन, दिस इज द शेप। अब मतलब ये हुआ कि आपका आरएचएस में भी जब आप मल्टीप्लाई करोगे सारी चीजों को तो आपका शेप सेम आना चाहिए, राइट। अब सोच के देखो एक्स ट्रांसपोज एक्स इनवर्स, इसका शेप क्या होगा, हमने ऊपर अभी निकाला एम प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय एम प्लस वन, ठीक है। आपका एक्स का शेप क्या है, आपका एक्स का शेप है नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय एम प्लस वन, इतने कॉलम्स हैं, इसको ट्रांसपोज कर दोगे तो इट वुड बिकम एम प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय एन। तो आपके इस वाले एक्स का ट्रांसपोज का शेप है, मैं यहां पे लिख रहा हूं एम प्लस वन टाइम्स एन। और आपके वाई का शेप क्या है, वाई इज बेसिकली आपकी सारे एलपीए वैल्यूज एक्चुअल वैल्यूज, तो इसमें देर आर एन रोज एंड वन कॉलम, तो दिस इज एन क्रॉस वन, ठीक है। अब देखो एक एक करके मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों सेम है तो इस शेप का बनेगा एम प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय एन, और ये वाला टर्म एज इट इज आ गया। अब ये वाला दोनों सेम है तो इन दोनों से बनेगा एम प्लस वन क्रॉस वन, और यही गाइज आपके बीटा का शेप है। सो इन शॉर्ट जब आप ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो आपको एग्जैक्टली उतनी ही वैल्यूज मिलती हैं जितने आपके बीटा में कोफिशियंट्स हैं, एंड दैट इज हाउ दिस एंटायर प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। आई रियली होप आपको ये पूरा चीज समझ में आया, और एक बार अगर आपको इसको अच्छे से समझना है तो आपको ये वीडियो शायद फिर से देखते हुए खुद से कॉपी पे करना पड़ेगा, तो आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। और अच्छे से समझना है थोड़ा सा मैट्रिक्स डिफरेंशिएशन पढ़ लो, एक एक चीज समझ में आ जाएगी। अब मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, और गाइज वो क्वेश्चन है वाई ग्रेडियंट डिसेंट, राइट। अगर आपको याद होगा सिंपल लीनियर रिग्रेशन के फर्स्ट वीडियो में मैंने आपके साथ एक बात डिस्कस की थी कि साइकिट लर्न जो है हमारा लाइब्रेरी, वो लीनियर रिग्रेशन के प्रॉब्लम को दो तरीके से सॉल्व करता है। सो वन ऑफ देम इज क्लोज्ड फॉर्म सॉल्यूशन, जिसका नाम है ओएलएस, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर। मतलब हम सारे के सारे जो हमारे कोफिशियंट्स हैं उसका वैल्यू निकालते हैं एक फॉर्मूला लगा के, ठीक है। हमने अभी तक यही पढ़ा है, सिंगल सिंपल लीनियर रिग्रेशन में भी हमने फॉर्मूला निकाला और अभी यहाँ पे भी फॉर्मूला निकाला, ठीक है। तो ये है ओएलएस। और फिर मैंने बोला था कि एक और तरीका होता है सॉल्व करने का, विच इज ग्रेडियंट डिसेंट। और फिर मैंने आपको बोला था कि मुझे बहुत डाउट होता था कि जब ओएलएस है तो ग्रेडियंट डिसेंट की क्या जरूरत है, राइट। तो वही मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि ओएलएस बहुत सिंपली हमें इस फॉर्मूला से सारे कॉफिशियंट्स का वैल्यू निकाल के दे रहा है। फिर भी आप अगले वीडियो में देखोगे कि हम ग्रेडियंट डिसेंट पढ़ रहे होंगे, क्यों? उसका रीजन है ये इनवर्स ऑपरेशन, ये इनवर्स ऑपरेशन। लेट मी शो यू समथिंग। सो अगर आप विकिपीडिया पे इस आर्टिकल पे जाते हो, कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस, तो यू वुड सी कि नीचे यहां पर मैट्रिक्स एल्जेब्रा का
अलग अलग ऑपरेशंस का कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी दिया हुआ है एंड यू कैन सी मैट्रिक्स इन्वर्जन जो है, और अगर आपके पास एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है तो उसका गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन जो मैथमेटिकल टेक्निक है उससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज एन क्यूब। ठीक है, मतलब अगर आपका ये जो एक्स ट्रांसपोज एक्स वाला जो मैट्रिक्स है जो हमारे केस में आ रहा था एम प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय एम प्लस वन, अब मान लो एम एम यहां पे क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स दैट वी हैव। अब मान लो हमारे पास 999 कॉलम्स है, बहुत बड़ा डेटा सेट है, तो ये हो जाएगा 1000 x 1000 का स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब यहां पे एन जो होगा वो 1000 होगा, तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया एन क्यूब के हिसाब से 9 zeros। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि इतने कंप्यूटेशंस करने पड़ेंगे इस इनवर्स को कैलकुलेट करने के लिए, टू मच। मतलब ये है कि एक बड़े डेटा सेट पे जब आप ये इनवर्स कैलकुलेट करने जाओगे इट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम विच विल मेक योर एल्गोरिदम स्लो। सो ये डिपेंड कर रहा है आपके नंबर ऑफ कॉलम्स के ऊपर। अगर आपके पास इमेज बेस्ड डेटा है या टेक्सचुअल डेटा है या फिर इन जनरल कुछ बड़ा काफी बड़ा डेटा है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि हम ये टेक्निक यूज ना करें और हम एक सेकेंड टेक्निक यूज करें जिसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट डिसेंट। इट्स एन अप्रोक्सीमेशन टेक्निक। यहाँ पे आप फॉर्मूला नहीं लगाते हो, धीरे धीरे करके सही वैल्यू के पास जाते हो। ठीक है, सो आप नोटिस करोगे जब हम ग्रेडियंट डिसेंट पढ़ेंगे तो हमारा आंसर फिर भी सेम आएगा जो हमारा OLS से आता था, आसपास आएगा, एग्जैक्टली सेम नहीं आएगा। और जब आप scikit-learn यूज करते हो तो वहां भी आपके पास दो ऑप्शंस हैं। जब भी आपको OLS लगाना है तो आप लीनियर रिग्रेशन क्लास यूज करते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये क्लास आपका काम कर देता है, बट अगर आपको ग्रेडियंट डिसेंट यूज करना है तो SGD रिग्रेसर बोल के भी एक क्लास हमारे पास अवेलेबल है। मैंने जितना नोटिस किया है हमारे पास कभी भी बहुत बड़ा डायमेंशन का डेटा नहीं आता जिसके ऊपर हम लीनियर रिग्रेशन लगाए, तो 95% टाइम्स आप लीनियर रिग्रेशन से काम चला सकते हो, बट SGD रिग्रेसर का भी ऑप्शन आपके पास है। सो आई होप मैंने आपको इस क्वेश्चन का आंसर दिया कि क्यों लोग पागलों और दीवानों की तरह ग्रेडियंट डिसेंट की पढ़ाई करते हैं, क्योंकि ग्रेडियंट डिसेंट इज अ फास्टर टेक्निक टू फाइंड आउट दीज कोफिशिएंट्स, मच फास्टर देन OLS। ठीक है, सो दिस वाज द एंटायर फॉर्मुलेशन गाइस। आई रियली अंडरस्टैंड थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, बट आई रियली फील इंटरेस्टिंग भी लगा होगा किसी लेवल पे, तो पढ़ लेना है अगर अच्छे से। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम खुद का एक क्लास बनाएंगे जो कि एग्जैक्टली scikit-learn के लीनियर रिग्रेशन वाले क्लास की तरह होगा, और हम दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करके देखेंगे कि जो हमने बनाया है वो सही काम कर रहा है कि नहीं। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।